In today's lecture, we will discuss about our chapter 8, motion. Here, we discuss each and every term in detail. If you still have any doubt after watching this videos regarding to any topic, any word, then you can ask me in comment section. Let's start our chapter. In everyday life, we see some object at rest and others in motion. Birds fly, fish swims, blood flows through veins and arteries, and you can see cars are moving on the roads. These all are in motion. Also, the planets, atoms, molecules, they all are in motion. We often perceive an object to be in motion when its position changes with time. Note it. क्या कह रहे हैं कि हम किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में कहते हैं जब उसकी पोजीशन चेंज करती है टाइम के साथ. लिसन, जो ये आपका फर्स्ट पैरा है इसको आपने लर्न नहीं करना है. ये सिंपल इंट्रोडक्शन है, ठीक है. इसमें हम सिंपल बात कर रहे हैं कि हाँ भाई, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो मोशन और रेस्ट में हर चीज़ में हो सकते हैं. मोशन क्या है? कोई मूवमेंट, जैसे कोई कार चल रही है, वो क्या है, उसमें क्या है? मोशन है, ठीक है. और मोशन बोला किसे गया है? जब उसकी पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज हो जाए, ठीक है. हाउएवर क्या कह रही हैं कि हमारी जो नेचर है उसमें ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें हमारे पास इनडायरेक्ट एविडेंसेस हैं मोशन के. इनडायरेक्ट एविडेंसेस से क्या मतलब है? हम डायरेक्टली देखकर नहीं बता सकते कि भाई उनमें मोशन है, लेकिन हमें पता लग जाता है कि उस चीज़ में मोशन हो रहा है. सपोज एयर है, एयर को अब आप देख नहीं सकते कि उसमें मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है. आप कैसे पता कर लेते हैं कि उसमें मोशन है? क्योंकि डस्ट मूव करता है, लीव्स हैं जो ट्रीज की, उनमें मूवमेंट है, फाइन. सनराइज हो रहा है, सनसेट हो रहा है, सीजन्स चेंज होते हैं, कभी विंटर है कभी समर है, ये क्यों हो रहा है? क्या ये अर्थ के मोशन के कारण है? अगर हाँ, तो हम डायरेक्टली अर्थ के मोशन को क्यों नहीं स्टडी कर लेते? दिस आर ऑल क्वेश्चंस इन अवर माइंड. ये सब क्या है? हमारे क्वेश्चंस है खुद की. नाउ सी, एन ऑब्जेक्ट मे अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर. हियर सी व्हाट इज टू बी सेड. कोई भी ऑब्जेक्ट है जो वो एक इंसान के लिए मूविंग हो सकता है और किसी दूसरे इंसान के लिए स्टेशनरी हो सकता है. इस बात को समझते हैं. सपोज आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ, कार में हैं या बस में हैं, ठीक है. जब आप अपने साइड बाय जो इंसानों से देखते हैं, ठीक है, पैसेंजर्स को देखते हैं, या आप कार में तो आप अपने पापा को देख रहे हैं या मम्मा को देख रहे हैं, तो वो क्या होते हैं? आपको वो रेस्ट पर दिखते हैं क्या? वो आपको चलते हुए दिख रहे हैं? नहीं, वो रेस्ट पर है. जब आप विंडो से बाहर देखते हैं तो आपको लगता है कि जैसे ट्रीज है ना, वो पीछे की तरफ भागे जा रहे हैं, ठीक है. आपको क्या लग रहा है? ट्रीज क्या कर रहे हैं? मोशन शो कर रहे हैं बैकवर्ड. ट्रीज आपको लगेंगे कि वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. अब एक पर्सन ले लिया जो रोड के साइड में खड़ा है, ठीक है, उसके लिए क्या कर रहे हैं? उसके लिए ट्री तो वहीं पर है, बस बस में मूवमेंट है, ठीक है. इसका मतलब देखो, ट्री था जो हमारे पास, जब उसको आपने देखा तो वो क्या था? मोशन में. जब उस इंसान ने देखा तो वो क्या था? रेस्ट में, ठीक है. ऐसे ही सिमिलर, जब बस की बारी आई तो आपके लिए क्या थी? वो रेस्ट पर थी, क्योंकि आप तो नहीं चल रहे थे, आपके लिए तो वो रेस्ट पर थी. और किसी बाहर वाले इंसान के लिए क्या, किस में थी? मोशन में, फाइन. तो इसलिए बोला गया है कि ये क्या है? बस, ट्रीज, आप ये क्या है? ऑब्जेक्ट्स हैं, ये आपके लिए मूविंग हो सकता है और दूसरे इंसान के लिए स्टेशनरी. स्टेशनरी का मतलब होता है रेस्ट पर, ठीक है, रेस्ट. ओके, फाइन. नाउ सी व्हाट मोस्ट मोशन आर कॉम्प्लेक्स. जो बहुत सारे हमारे मोशंस होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं.
कुछ स्ट्रेट लाइन में हो सकते हैं, कुछ सर्कुलर हो सकते हैं, ठीक है, और कुछ में वाइब्रेशंस भी हो सकती है। देर में भी सिचुएशंस, यहाँ कुछ सिचुएशन ऐसे भी हैं जो सबका कॉम्बिनेशन हो, कॉम्बिनेशन मतलब सर्कुलर भी हो प्लस वाइब्रेशन भी हो, ओके। इस चैप्टर में हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में ही बात करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट्स में क्या ऐसा मोशन है, वो स्ट्रेट लाइन में कैसे मूव करते हैं, ठीक है, हम ये सब पढ़ेंगे। किसकी हेल्प से? कुछ इक्वेशन की हेल्प से, कुछ ग्राफ की हेल्प से, ओके। और उसके बाद हम थोड़ा सा सर्कुलर मोशन के बारे में भी स्टडी करेंगे, फाइन। नाउ लेट्स डिस्क्राइब व्हाट इज मोशन। वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग अ रेफरेंस पॉइंट। देखिए क्या कह रहे हैं, क्या रेफरेंस पॉइंट है, क्या इस लाइन को समझते हैं। सपोज मैं आपसे पूछूं दिल्ली कहाँ पर है, ठीक है, आप कहोगे मैम कहाँ से बताऊं, मैं कहूँगी बेटा अपने घर से बता दो, ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड बता देगा। अब सेकंड स्टूडेंट है, मैंने उसे पूछा बेटा दिल्ली कितनी दूर है, कहाँ पर है वो, फिर सेकंड बच्चा कहेगा मैम कहाँ से बताऊँ मैं, मतलब मुझे एक लोकेशन तो दो कि मैं बताऊं कि भाई हाँ दिल्ली इतनी दूर है। मैंने कहा बेटा चंडीगढ़ से बता दो, ठीक है। सपोज़ किसी स्टूडेंट ने बोल दिया 80 किलोमीटर है मैम, ठीक है, तो उसने क्या किया, चंडीगढ़ की रेस्पेक्ट में, चंडीगढ़ की रिस्पेक्ट में दिल्ली की पोजीशन को बताया है। तो इसका मतलब ये क्या है, RP रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट। तो इसका मतलब क्या है, हम किसी भी जगह की लोकेशन को किसकी हेल्प से बताते हैं, रेफरेंस पॉइंट की हेल्प से, फाइन। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जांपल। अब इन्होंने अपना खुद का एग्जांपल दिया, उसको भी देख लेते हैं हम, ओके। लेट अस अज्यूम दैट अ स्कूल इन अ विलेज, एक स्कूल है गाँव में, ठीक है, वो 2 किलोमीटर नॉर्थ है रेलवे स्टेशन से। अब देखो इन्होंने स्कूल को किसके उससे बताया, रेलवे स्टेशन की हेल्प से, कि भाई रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर है हमारा स्कूल, ठीक है, तो रेलवे स्टेशन को क्या कहेंगे हम, अपना रेफरेंस पॉइंट। इन दिस एग्जांपल द रेलवे स्टेशन इज द रेफरेंस पॉइंट। हम किसी भी को भी अपना रेफरेंस पॉइंट चूज कर सकते हैं, ठीक है। रेलवे स्टेशन के पास सपोज कोई मॉल हो, बहुत फेमस हो, ठीक है, आप बोल सकते हैं कि उस मॉल से इतनी दूर है, तो इसलिए कहा गया है रेफरेंस पॉइंट। आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। देयरफॉर टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई अ रेफरेंस पॉइंट व्हिच इज नोन एज ओरिजिन, जिसे आप ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है, पता लग गया ओरिजिन क्या है, रेफरेंस पॉइंट, ओके। नाउ सी मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। जो सबसे सिंपल टाइप का मोशन होता है वो एक स्ट्रेट लाइन के अक्रॉस होता है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई एक स्ट्रेट लाइन के अक्रॉस मोशन क्या है। किसी भी चीज़ को समझने का बेस्ट तरीका क्या होता है, अब उसका एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। जैसे अभी रेफरेंस पॉइंट का हमने दिल्ली चंडीगढ़ वाला एग्जाम्पल लिया, या वो स्कूल वाला एग्जाम्पल लिया, तो हम इसको फिर से समझते हैं एग्जाम्पल के हेल्प से। कंसिडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, ठीक है, हम एक ऑब्जेक्ट में मोशन ले रहे हैं जो एक स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल कर रहा है, ओके, फाइन। द ऑब्जेक्ट स्टार्टेड जर्नी फ्रॉम ओ, ठीक है, ओ से स्टार्ट की, जिसको हम रेफरेंस पॉइंट मानेंगे, ठीक है। ए बी सी रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ए बी सी क्या है, पोजीशन है ऑब्जेक्ट की अलग अलग टाइम पर, डिफरेंट इंस्टेंट मीन्स टाइम। सपोज एक 5 सेकंड पे है, दूसरी 2 सेकंड, ठीक है। सपोज एट फर्स्ट द ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू सी एंड बी एंड रीचेस ए, ओके, क्या बोल रहे हैं देखते हैं। हम अपना फिगर देख लेते हैं क्या है, ठीक है। लेट ए बी सी रिप्रेजेंट द पोजीशन, ए बी सी ये पोजीशन बता रहे हैं ऑब्जेक्ट की, और ओ क्या है, हमारा रेफरेंस पॉइंट है। क्या बोला,
एट फर्स्ट द ऑब्जेक्ट मूव थ्रू सी एंड बी एंड रीचेज ए. ठीक है, सबसे पहली बारी में ऑब्जेक्ट सी और बी से होता हुआ ए के पास पहुंच जाता है, यहाँ तक आ गया हमारा ऑब्जेक्ट. देन इट मूव्स बैक अलोंग द सेम पाथ एंड रीचेज सी. ठीक है, उसी पाथ से आता हुआ वो फाइनली यहाँ आ गया. ठीक है, तो इसका मतलब उसे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा. अब देखते हैं हम उसे डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना पड़ा टोटल. पहले वो यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, उसके बाद वो यहाँ से सी तक आया. ठीक है, उसे ये डिस्टेंस, ठीक है, और ये डिस्टेंस, इतना ट्रैवल करना पड़ा. फाइन, अगर मुझे ओ ए पता होगा, ए बी पता होगा, बी सी पता होगा, ठीक है, ये सारे डिस्टेंस मैं जानती होंगी, तो मुझे पता लग जाएगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है या यू कैन से कोई इंसान है वो कितना चला है. ठीक है, टोटल पाथ कितना कवर्ड हुआ है उसे डिस्टेंस बोला जाता है. फाइन, सी व्हाट इज द डिस्टेंस, देखते हैं हम. द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, टोटल पाथ कितना हुआ ओ से सी तक, फिर ओ से ए तक, उसके बाद हमारा सी तक. फाइन, तो जो टोटल पाथ कवर्ड होता है उसे डिस्टेंस कहा जाता है. ठीक है, डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारा क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज डिस्टेंस. डिस्टेंस इज द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. आप फिर कोई भी एग्जांपल लेके खुद से समझा सकते हैं, वो आपको प्लस पॉइंट देगा. अब देखो, टू डिस्क्राइब डिस्टेंस वी नीड टू स्पेसिफाई द न्यूमेरिकल वैल्यू. डिस्टेंस को बताने के लिए हमें न्यूमेरिकल वैल्यू देनी पड़ी. न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब 60 किलोमीटर वगैरह. ठीक है, 80 किलोमीटर चले हम, 5 किलोमीटर. ठीक है, इस तरीके से ये क्या है, नंबर्स हैं, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं. ठीक है, जो ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती है ना किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, फिजिकल क्वांटिटी मतलब डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को मैग्नीट्यूड बोला जाता है. समझ गए, ये क्या है, 5, 60, 80. आप मैथ में बात करेंगे तो आप बोलेंगे ये सब मैम नंबर्स हैं, बट फिजिक्स में हम इन्हें मैग्नीट्यूड्स बोलते हैं कि मैग्नीट्यूड इतना है. ठीक है, अब देखो मैं आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताती हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है. ठीक है, क्या पॉइंट है वो, अगर आप उसे स्किप करना चाहें तो उसे स्किप कर सकते हैं, मैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रही हूँ. ठीक है, अब देखो इसमें क्या हुआ, हम इतना चले, फिर इतना चले. ठीक है, मैंने टोटल एरिया लिया, मैंने टोटल सम लिया है इसका. मैंने ये नहीं देखा कि पहले मैम मैं राइट में चल रही थी फिर मैं लेफ्ट में चली. ठीक है, इसका मतलब मैंने डायरेक्शन को यहाँ कंसिडर नहीं किया. तो वे क्वांटिटीज़ जिसमें हम डायरेक्शन की बात नहीं करते उन्हें स्केलर बोला जाता है. ठीक है, और जिनमें डायरेक्शन की बात कर दें उन्हें बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटीज़. ओके, नाउ लेट्स सी. फ्रॉम दिस एग्जाम्पल कैन यू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल पोजिशन सी ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन ओ. दिस डिफरेंस विल गिव यू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. अब नई टर्म आई डिस्प्लेसमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क इट. द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट. सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा रास्ता किसका, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक का डिस्प्लेसमेंट कहलाता है. ठीक है, अब मैम शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, इनिशियल फाइनल पोजीशन क्या है, देखते हैं. सपोज एक बच्चा है, ठीक है, वो स्कूल से कहाँ जा रहा है, घर जा रहा है. ठीक है, अब उसके पास ना दो रास्ते हैं. एक रास्ता है जिस पे कि वो 5 मिनट में पहुंच जाता है. ठीक है, एक रास्ता है जिससे वो 10 मिनट में पहुंच जाता है.
ठीक है, तो शॉर्टेस्ट पाथ को बोला जाता है। मोर प्रिसाइजली, बिल्कुल प्रिसाइजली वे में देखें तो हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है। देखो जो ये हमने एग्जांपल किया, इनिशियल पोजीशन क्या थी, इनिशियल मतलब जहाँ से स्टार्टिंग की है वो ओ। आप फर्स्ट एग्जांपल को स्किप कर सकते हैं, हम बिल्कुल प्रिसाइज वे में अपनी बात करते हैं। तो देखो इनिशियल पोजीशन क्या होती है, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। फाइनल पोजीशन उसे बोला जाता है जहाँ आप लास्ट में रुक चुके हैं, ये ओके। इनिशियल से फाइनल का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ओसी को मेज़र करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, और डिस्टेंस क्या होगा, ओ ए प्लस ए सी डिस्टेंस होगा, ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस होगा और ओ सी हमारी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट। हेयर हाईलाइट वन पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फॉर अ कोर्स ऑफ मोशन में बी जीरो बट द कोरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कवर्ड इज नॉट जीरो। मीन्स जो डिस्प्लेसमेंट होती है किसी भी मोशन के लिए वो जीरो हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा। क्या, कैसे, ठीक है, क्वेश्चन आएगा क्या मैम, क्या कैसे हो सकता है ऐसे। तो देखें सपोज मेरा ऑब्जेक्ट ओ से स्टार्ट होकर एंड में ओ पर ही आ जाता है, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन ए की हुई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस तो क्या होगा, ज़ीरो। लेकिन जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, टोटल पाथ, पहले वो यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से यहाँ आया, तो डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकती है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, ओके। दस द टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट आर यूज टू डिस्क्राइब द ओवरऑल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड टू लोकेट इट फाइनल पोजिशन विद रेफरेंस टू इट्स इनिशियल पोजिशन एट अ गिवन टाइम, ओके। बेसिकली यू नीड टू रिमेंबर वट इज डिस्टेंस एंड वट इज डिस्प्लेसमेंट। आपको जो भी लिखा हुआ है उसको देख कर पैनिक नहीं होना है, आपकी सिंपल सी बात है, डिस्टेंस क्या होता है मैम, टोटल पाथ कवर्ड किया है जो ऑब्जेक्ट ने, डिस्प्लेसमेंट क्या है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके बीच का, इनिशियल और फाइनल पोजीशन का, ठीक है। और आप कोई भी एग्जांपल खुद से दे सकते हैं, ये एग्जांपल बनाएंगे आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। इनको देख के पजल नहीं होना है कि मैम ये क्या लिख रखा है, 60 किलोमीटर 20 किलोमीटर, इन्होंने केसेस पोज कर रखे हैं, ये बस बता रखा है कि देखो यहाँ तक 35 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर जस्ट, ओके। नाउ फाइन, हियर देखो बेसिकली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक्टिविटी को छोड़ देते हैं, इस एक्टिविटी में काम की बात आई है, हाँ आपके बोर्ड्स में तो नहीं आना है, बट फिर भी जनरल नॉलेज के लिए हम देख लेते हैं, जो ऑटोमोबाइल्स होती है ना उनमें एक डिवाइस होती है जो डिस्टेंस को मेज़र करती है, उसे ओडोमीटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ओडोमीटर, फाइन। वन मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एंड फॉर जनरल नॉलेज ऑल्सो, ओडोमीटर। नाउ दीज आर क्वेश्चंस, कम टू 8.1.2, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नाउ सी व्हाट इज द यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसको भी इन्होंने एक एग्जांपल के थ्रू समझाया है, मैं बताती हूँ आपको ये एग्जांपल क्या है। इन्होंने बोला कि हम एक ऑब्जेक्ट को लेकर चल रहे हैं जो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ले लिया जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, पहली सेकंड में उसने 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, नेक्स्ट एक सेकंड में 5 मीटर, फिर से एक सेकंड में 5 मीटर, फिर से एक सेकंड में 5 मीटर। इसका मतलब क्या है कि वो 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है हर एक सेकंड में, ठीक है। इसका मतलब जो डिस्टेंस कवर्ड हुआ है
टाइम इंटरवल्स में वो इक्वल है. मीन्स द ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, इक्वल ही डिस्टेंस हुआ ना हर बार, वो 5 ही मीटर चला इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. तो इस तरीके का जब मोशन होगा तो उसे यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है. ठीक है, और जब यूनिफॉर्म मोशन होते हैं ना, जो वो बेसिकली हमने जब ऑब्जर्व किया तो वो स्मॉल टाइम के लिए थी. द टाइम इंटरवल इन दिस मोशन शुड बी स्मॉल. ठीक है, अब देखो कई बार क्या होता है, सपोज आप कहीं ट्रैवल कर रही हैं, ठीक है, तो किसी भी रोड पर आपको ट्रैफिक मिल जाता है, तो क्या होता है, सपोज 1 सेकंड में आप इतना चल रहे हैं, नेक्स्ट 1 सेकंड में बस इतना चल पाए, नेक्स्ट 1 सेकंड में इतना चल पाए. तो इस तरीके के केसेस में क्या मिला आपको, अनइक्वल डिस्टेंस. अनइक्वल मीन्स जो इक्वल ना हो. इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम तो आप वही लेके चल रहे हो ना, 1 सेकंड वाला जो पहले केस में लिया था, अभी सेकंड केस में भी आप क्या ले रहे हो, 1 सेकंड का टाइम ले रहे हो. ठीक है, लेकिन इसमें डिस्टेंस क्या हुआ, अनइक्वल. ठीक है, तो इस तरीके के मोशंस को क्या बोला जाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. फाइन, तो ये बेसिक डेफिनेशन है यूनिफॉर्म मोशन की और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की. इन पर क्वेश्चन आ सकता है, आपको सिर्फ एक एग्जांपल लर्न करना है और उसी को पेपर में अपनी वर्डिंग्स में लिखकर आ जाना है. फाइन, नाउ सी नेक्स्ट. नेक्स्ट इज एक्टिविटी. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन. ओके, व्हाट इज द रेट, लेट्स सी आखिर मोशन की रेट क्या है. ओके, लुक एट द सिचुएशन गिवन इन फिगर 8.2. ओके, देख लेते हैं भाई 8.2 में क्या है. ठीक है, इट्स लाइक सम टीवी. ओके, जिसमें क्रिकेट हो रहा है, फाइन, बॉलिंग हो रही है. सेकंड फिगर देख लेते हैं, एक ट्रक या कहीं से कार मूव कर रही है रोड पर. ओके, नाउ सी, लुक एट द सिचुएशन गिवन इन फिगर 8.2. हाँ जी, हमने देख ली इन फिगर 1. ओके, टीवी के मैच वाला जो फिगर था, याद रखना, बॉलिंग स्पीड 143 किलोमीटर पर हावर है. इसका मतलब क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, इस बात से आप क्या समझे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड. सी, 143 किलोमीटर पर एच माइनस वन है, इसका मतलब होता है डिवाइडेड बाय हाउ. ओके, समझ गए, तो मैं सिंपल एच आर लिख रही हूँ, या मोर प्रिसाइजली लेट्स राइट हाउ. फाइन, इसका मतलब क्या है, देखो किलोमीटर तो हमारा आ जाता है डिस्टेंस के लिए. मम्मा पूछती हैं टाइम कितना, आप कहते हैं मम्मा 12 बज गए. ठीक है, 2 hours और देख लेता हूँ मम्मी. ठीक, ये क्या होता है, मतलब टाइम. ठीक है, तो जब आप किसी भी क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड कर देते हैं ना, उसे कहा जाता है रेट. बेसिक वे है आपका लर्न करने का. ठीक है, रेट मीन्स पर टाइम. फाइन, इस बात को याद रखना, ये लाइफ टाइम यूज होता है ये वर्ड रेट. ठीक है, नाउ सी, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू कवर अ गिवन डिस्टेंस. ये तो नॉर्मल सी बात है, अब बाइक की स्पीड से तो साइकिल की स्पीड मैच नहीं कर सकती. बाबा, सम ऑफ देम मूव फास्ट एंड सम मूव स्लोली. फाइन, द रेट एट विच ऑब्जेक्ट मूव कैन बी डिफरेंट. वो रेट जिससे ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं वो डिफरेंट हो सकती है. हाँ, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं जो सेम रेट पर मूव करते हैं. वन ऑफ द वे ऑफ मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम. ओके, दिस क्वांटिटी इज रेफर्ड टू एज स्पीड. ठीक है, इसका मतलब यहाँ नेक्स्ट डेफिनेशन आई,
क्या? स्पीड। ठीक है, स्पीड को इन्होंने क्या बोला? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है किसी ऑब्जेक्ट ने, मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। इन यूनिट टाइम, इन इनका मतलब डिवाइडेड बाय यूनिट टाइम, टाइम में, टोटल टाइम में। तो फॉर्मूला बन गया स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम। ओके, नाउ सी दिस इज फॉर एवरेज स्पीड। इन फ्यू सेकेंड्स वी लुक व्हाट इज एवरेज स्पीड। बेसिकली स्पीड इज, स्पीड क्या हुई आपकी? डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, एवरेज स्पीड भी हम देखते हैं क्या होती है। ठीक है, एक्चुअली वो भी स्पीड ही है, पहले इसको देख लेते हैं। स्पीड क्या है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अब बात कर लेते हैं एसआई यूनिट की। ठीक है, स्पीड हमने बोला भाई, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम है। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट में बात करेंगे हम मीटर। टाइम की क्या होती है? एसआई यूनिट सेकंड। तो स्पीड की यूनिट क्या बन गई? मीटर पर सेकंड, ऐसे लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, फाइन। और यही आपको बताया गया है कि एसआई यूनिट स्पीड की क्या है? मीटर पर सेकंड। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एम बाय एस और एम एस माइनस, फाइन। और अदर यूनिट में मीटर की जगह आप किलोमीटर ले सकते हैं, सेकंड को फिर आवर ले सकते हैं। ओके, दिस आर डिफरेंट यूनिट सिस्टम। टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर ओनली इट्स मैग्नीट्यूड। जब आप किसी की स्पीड बताते हैं ना, तब सिर्फ आप मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। फाइंड द स्पीड एंड ऑफ ऑब्जेक्ट नीड नॉट बी कॉन्स्टेंट। इन मोस्ट केसेस ऑब्जेक्ट विल बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देयरफॉर वी डिस्क्राइब द रेट ऑफ मोशन ऑफ सच ऑब्जेक्ट इन टर्म ऑफ देयर एवरेज स्पीड। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि कई बार ऐसा हो सकता है कि जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो कॉन्स्टेंट ना हो। कॉन्स्टेंट मतलब एक ही ना हो। सपोज़ मेरा कार है, जो सपोज़ मेरी कार 50 किलोमीटर पर हावर से मूव कर रही है। ठीक है, और मैंने कहा कि भाई जितनी भी ये चलेगी ना, इतनी ही स्पीड से चलेगी। ठीक है, ये हो गई कॉन्स्टेंट हो गई, फाइन। अब सपोज़ जाम मिल जाता है हमें, ट्रैफिक है बहुत सारा, तो इसकी स्पीड को कम भी होना होगा। ठीक है, कभी ज़्यादा होगी कभी कम होगी, तो इसका मतलब क्या है? स्पीड कॉन्स्टेंट नहीं रही, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। तो इन केसेस के लिए हम स्पीड को एवरेज स्पीड की टर्म में डिफाइन करते हैं, फाइन। द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टोटल टाइम टेकन, फाइन। मतलब टोटल टाइम ले लेते हैं हम इसमें। उसमें क्या था? स्पीड क्या थी हमारी? डिस्टेंस बाय टाइम था। ठीक है, एवरेज की बात करेंगे तो टोटल हो जाता है, फाइन। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल एट अ डिस्टेंस एस इन टाइम टी। अब देखो, फिजिक्स में डिस्टेंस को हम एस से लिख रहे हैं, टाइम को टी से, ठीक है, और स्पीड को वी से लिखा जाता है। ये सिंबल होते हैं, ये आपको लर्न करनी है। वैसे आपने 7th-8th में पढ़ रखे होंगे, फिर भी सपोज आपने नहीं पढ़ रखा है तो टेंशन की कोई बात नहीं है। ये सिंबल होते हैं, स्पीड का वी, डिस्टेंस का एस और टाइम का टी, फाइन। नाउ द नेक्स्ट इज एग्जांपल 8.1, फाइन। नाउ केम टू स्पीड विद डायरेक्शन। अगर किसी स्पीड के डायरेक्शन भी होगी तो द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी कंप्लेन एट अ वेरिएबल स्पीड। वी कैन एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रेट ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ एवरेज वेलोसिटी। इट इज़ कैलकुलेटेड इन द सेम वे एज वी कैलकुलेट एवरेज स्पीड। मतलब वेलोसिटी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे हम स्पीड को कैलकुलेट करते थे। बेसिकली क्या है? सेम ही तो है, ऐसा यूनिट भी सेम है, बस डिफरेंस क्या है? स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होती, वेलोसिटी की एक डायरेक्शन होती है।
ठीक है, इन केस द वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट देन एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय द अरिथमेटिक मीन. फाइन, एवरेज स्पीड को हम क्या बोल देते थे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन. एवरेज वेलोसिटी को हम क्या कैसे बताएंगे, अरिथमेटिक मीन से बताते हैं. अरिथमेटिक मीन क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टू. ओके, इनिशियल वेलोसिटी को यू से डिनोट किया जाता है, फाइनल वेलोसिटी को वी से. इस बात को आपको लर्न करना होगा, ठीक है. इनिशियल वेलोसिटी यू होती है, फाइनल वेलोसिटी वी होती है, और एवरेज वेलोसिटी को हम वी ए वी, एवरेज का ए वी उठा लेते बस. वेलोसिटी फॉर वी फॉर वेलोसिटी एंड ए वी फॉर एवरेज. फाइन, नाउ सी, स्पीड एंड वेलोसिटी हैव द सेम यूनिट्स, मीटर पर सेकेंड. ओके, नेक्स्ट इज एक्टिविटी, देन क्वेश्चंस, एग्जांपल. नाउ केम टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. व्हाट दिस से, ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. जब यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन क्या था, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, द वेलोसिटी रिमेन कॉन्स्टेंट विद टाइम. जो वेलोसिटी होती है वो टाइम के साथ साथ कॉन्स्टेंट रहती है यूनिफॉर्म मोशन में. याद रखना, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है जब एक स्ट्रेट लाइन के अक्रॉस, तो जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, कॉन्स्टेंट होगी. यूनिफॉर्म मोशन के केस में, इस पॉइंट को ध्यान से सुनना, ये एग्जांपल्स में काम आता है. जब कोई न्यूमेरिकल आता है ना आपको, तो ये पॉइंट काफ़ी बार पूछ लिया जाता है वहाँ पर, तो इसको आप लर्न रखना कि जब यूनिफॉर्म मोशन की बात होगी ना, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, ज़ीरो. क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट है मतलब वो बदल नहीं रही, तो चेंज कैसे बता सकते हो आप. जब किसी चीज़ में कुछ चेंज हो ही नहीं रहा, तो आप उसका चेंज कैसे बता सकते हो, इसलिए क्या है, ज़ीरो. किस केस में, यूनिफॉर्म मोशन के केस में. हाउएवर इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी टाइम के साथ वेरी करती है, अलग अलग पॉइंट पे ये अलग अलग होगी, ठीक है. तो चेंज इन वेलोसिटी होगा वो ज़ीरो नहीं होगा. इस बात को लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है. सिंपल देखो, यूनिफॉर्म मोशन में क्या था, इक्वल डिस्टेंस था इक्वल टाइम में. सपोज पहली बारी में 4 किलोमीटर एक सेकेंड में, तो दूसरी बारी में भी 4 किलोमीटर एक सेकंड में, किसी भी पॉइंट पे. सपोज ए पॉइंट ये था, बी पॉइंट ये था, आप ए और बी पे वेलोसिटी निकाल लोगे तो क्या आएगी, वो 4/1. सेकंड पे निकाल लोगे तो भी क्या आई, 4/1. तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज ही नहीं कर रही. सिंपल, लर्न क्यों करना है आपने. नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म में अलग अलग डिस्टेंस हो जाएगा एक ही टाइम में. सपोज पहली बारी में 4 हुआ, ठीक है, और थर्ड बारी में 3 हुआ, 3 किलोमीटर 1 सेकंड में, तो इसमें क्या हुआ, वेलोसिटी अपने आप चेंज कर गई. फाइन, तो इस बात को आपने लर्न नहीं करना. नाउ कैन वी नाउ एक्सप्रेस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. कैन वी नाउ एक्सप्रेस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. क्या हम किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में जो चेंज हुआ है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. एक्सप्रेस करना मतलब लिख के दिखाना, कोई फॉर्मूला बताना. टू आंसर सच अ क्वेश्चन वी हैव टू इंट्रोड्यूस अनदर फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एक्सेलेरेशन. इस बात का आंसर देने के लिए एक और क्वांटिटी हमें मिली, जिसे क्या बोलते हैं, एक्सेलेरेशन. थर्ड डेफिनेशन, मार्क दिस, दिस इज इम्पॉर्टेंट. What is acceleration? Acceleration is change in velocity by time taken. ये आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो फॉर्मूलाइज में मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ. फॉर्मूलाइज तो आपको लर्न करनी पड़ती हैं. चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल. फाइनल क्या था, v, इनिशियल क्या था, u. चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन. एक्सेलेरेशन को ए से डिनोट करते हैं, ठीक है. जब आपके पास
फाइनल एग्जाम्स में आ जाता है व्हाट इज़ एक्सेलेरेशन, तो आप पहले ये डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद आपने ये फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, और उसके बाद आप ये लिखेंगे एक्सप्रेशन और फिर बता देंगे कि v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, t टाइम है और a क्या है एक्सेलेरेशन, ठीक है, और साथ में इसकी आप SI यूनिट भी बताएंगे, ठीक है। SI यूनिट मैम, SI यूनिट भी लर्न करनी पड़ेगी? नो, द आंसर इज़ नो। जस्ट रिमेंबर फॉर्मूलाज, आपको हमेशा फॉर्मूले लर्न करने हैं, उनसे ही हम SI यूनिट निकालते हैं। अब बताओ वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड इनटू, क्योंकि नीचे टाइम भी है, टाइम की यूनिट क्या होगी सेकंड, तो हमारे पास क्या बन गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइन। द एक्सेलेरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव इफ इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब डायरेक्शन होती है एक्सेलेरेशन के पास हमेशा, याद रखना वेलोसिटी के पास भी डायरेक्शन थी, एक्सेलेरेशन के पास भी डायरेक्शन है, स्पीड के पास कोई डायरेक्शन नहीं थी, ठीक। देखो सिंपल सी बात है, जब वेलोसिटी के पास डायरेक्शन है तो वेलोसिटी की टर्म में ही तो एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला है, एक्सेलेरेशन के पास भी डायरेक्शन है, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, मैंने बस आपको याद करने के लिए बताया है कि फर्स्ट टाइम आप कैसे याद करें, ठीक है। तो देखते हैं, एक्सेलेरेशन को तब पॉजिटिव लेना जब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, मतलब जिधर वेलोसिटी है, सपोज वेलोसिटी इधर है, ठीक है, और हमारी जो एक्सेलेरेशन है वो भी इधर ही है, तो पॉजिटिव लेंगे एक्सेलेरेशन को, एक्सेलेरेशन के साइन को, फाइन। अगर जो हमारी वेलोसिटी है वो राइट साइड है, एक्सेलेरेशन लेफ्ट साइड है, तो एक्सेलेरेशन के साइड को साइन को हम नेगेटिव लेते हैं, ये न्यूमेरिकल्स के टाइम काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट, द SI यूनिट ऑफ एक्सेलेरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो भी हमने बात की थी। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द एक्सेलेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। क्या बोल रहे हैं देखते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज, कुछ भी हो सकता है, इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है इक्वल अमाउंट से, ठीक है, मतलब इक्वल अमाउंट है इक्वल इंटरवल में, इसका मतलब क्या है यूनिफॉर्म मोशन है, तो एक्सेलेरेशन को भी यूनिफॉर्म कहा जाएगा, फाइन। नेक्स्ट इज, तो अब यहाँ से आप देखो एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन के साथ लिख के आ सकते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, डिस्कस द टाइप ऑफ एक्सेलेरेशन। तो आप लिखेंगे फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन एंड सेकंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, उनकी डेफिनेशन बता देंगे आप, ठीक है। उनकी डेफिनेशन बता दी आपने कि ऑब्जेक्ट ने क्या किया है, इक्वल अमाउंट की वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इंक्रीज या डिक्रीज की है, उसे यूनिफॉर्म कहा गया है। उसका एग्जांपल क्या होगा, मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलोइंग बॉडी, ठीक है, सपोज किसी हाइट पर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो नीचे आ रहा है, ठीक है, ठीक है, वो ग्रेविटी की स्पीड से नीचे आता है, ये बात हमेशा याद रखना आप, ग्रेविटी जी, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अप्रोक्सीमेट करके इसे 10 बोल लेते हैं हम कई बार न्यूमेरिकल सोल्व करते टाइम जब काफ़ी हाई कैलकुलेशन आ जाती है, बट इसकी वैल्यू 9.8 होती है, ठीक है। तो किसी हाइट से सपोज कोई टॉय है, ठीक है, मैं उसे टॉवर से नीचे थ्रो कर रही हूँ, तो किस एक्सेलेरेशन के साथ आएगा, ग्रेविटी के साथ, मतलब पूरे रास्ते उस पर टावर से ग्राउंड तक आने में उस टॉय को कितनी एक्सेलेरेशन लगी, 9.8, जो नेचर की खुद की है, वो चेंज नहीं हो सकी ना, तो उसे बोला जाता है यूनिफॉर्म एक्सेलेरेटेड मोशन, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इफ एन ऑब्जेक्ट कैन ट्रेवल विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंज एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट,
ठीक है, अगर वेलोसिटी में चेंज नॉन यूनिफॉर्म होगा तो एक्सीलेशन भी क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कार ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड इंक्रीज इट्स स्पीड बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ये वही बात है कि कोई भी कार जा रही है वो कभी स्पीड बढ़ा देती है, कभी कम कर देती है. ऐसा करेगी तो वेलोसिटी अलग अलग होगी, इस पॉइंट पे भी वेलोसिटी अलग होगी, इस पॉइंट पे भी वेलोसिटी अलग होगी. वेलोसिटी अलग होने का मतलब क्या है, नॉन यूनिफॉर्म. नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सेलेरेशन क्या होगी हमारी, नॉन यूनिफॉर्म. फाइन, देन हियर एग्जांपल एंड क्वेश्चन. सी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन. अब तक हमने सिंपल बात की, ठीक है, अब हम ग्राफ के थ्रू बात करते हैं. जो ग्राफ्स होते हैं ना वो हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देते हैं काफ़ी इवेंट्स की. जनरल हम जो स्टेटमेंट देते हैं वो इतना नहीं बता पाते जितना ग्राफ बता पाते हैं. ग्राफ क्या होता है, वाई एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पर, ठीक है, हम कोई क्वांटिटीज़ लेते हैं, उसको फिर ड्रॉ करते हैं, उसके मोशन बताते हैं, लीनियर आ रहा है, नॉन लीनियर जैसा भी आ रहा है उसे बोलते हैं हम ग्राफ्स. फाइन, फर्स्ट वन इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ. सी द चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ. ठीक है, यहाँ से 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आपके नीट में. ओके, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ, यहाँ लेंगे आप डी डिस्टेंस, यहाँ लेंगे आप टाइम टी. फाइन, यहीं से देख लेते हैं हम इसको. नाउ सी, टाइम इन मिनट्स एंड डिस्टेंस इन किलोमीटर. जो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है आपके पास सिर्फ, जो डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ होता है वो क्या देता है आपको, एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या देता है वो, चेंज इन पोजिशन. ओके, आपको सिर्फ एक ये बात लर्न करनी है, बाकी वही है, टाइम एक्स एक्सिस में ड्रॉ किया है, डिस्टेंस को वाई एक्सिस में ड्रॉ किया गया है. डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम बहुत सारी कंडीशंस में बना सकते हैं, यूनिफॉर्म में, नॉन यूनिफॉर्म में और रेस्ट में भी. ठीक है, जो पॉइंट आपको लर्न रखना है वो क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आपको पोजिशन का पता लगता है. फाइन, वी नो डैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड. हम जानते हैं यूनिफॉर्म मोशन होगा, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल में मतलब यूनिफॉर्म मोशन है, तो इसका मतलब यूनिफॉर्म स्पीड है, ये बात हम जानते हैं. दिस शोज डैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन. ये क्या बता रहा है कि जो यूनिफॉर्म ग्राफ तो यही बताएगा कि जितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया है वो टाइम टेकन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इसलिए जब हम यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ बनाते हैं ना तो लीनियर आता है. लीनियर मीन्स स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन आता है यूनिफॉर्म के केस में. इधर डिस्टेंस था, इधर हमारा टाइम था, ये किसका केस है, हमारा यूनिफॉर्म का. अब आप बोलेंगे कि मैम हमें नहीं समझ आ रहा ये क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, तो देखो 1 सेकंड में 1 मीटर, 2 सेकंड में 2 मीटर, 3 सेकंड में 3 मीटर. चलो ग्राफ बनाते हैं, एक पॉइंट यहाँ मिला, दूसरा पॉइंट यहाँ मिला. ठीक है, मैं ग्राफ बनाना ही सिखा देती हूँ आपको. ठीक है, आपको इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब नहीं समझ आ रहा है तो हम देखते हैं अभी क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब. यहाँ डिस्टेंस है, यहाँ टाइम है, 1 सेकंड में इतना, नेक्स्ट 1 सेकंड में इतना, नेक्स्ट 1 सेकंड में इतना. ठीक है, ग्राफ कैसे बनाते हैं, पॉइंट्स को जोड़ो. ठीक है, हमने जोड़ लिया, थर्ड पॉइंट इज यहाँ से ये, यहाँ से ये. फाइन, इन पॉइंट्स को जोड़ दो, हमें क्या मिली, एक स्ट्रेट लाइन. ठीक है, अब समझ आ गया आपको स्ट्रेट लाइन क्यों मिल रही है हमें यूनिफॉर्म मोशन के केस में. नाउ सी,
नोट डैट यू कैन ऑल्सो यूज़ द टर्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी. आप यूनिफॉर्म स्पीड की जगह यूनिफॉर्म वेलोसिटी को भी बोल सकते हैं. वी कैन यूज़ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. रिमेंबर वन पॉइंट. अब देखो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या शो कराता है कि पोजीशन में क्या चेंज आया है किसी की ऑब्जेक्ट की. ठीक है, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है, सिंपल सी बात है. डिस्टेंस मतलब पोजीशन. ठीक है, इस ग्राफ में हम क्या करते हैं, टाइम को एक्स एक्सिस में लेते हैं. एक्स एक्सिस होती है हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वाई एक्सिस होती है हमारी वर्टिकल एक्सिस. ठीक है, एंड डिस्टेंस इज टेकन अलोंग द वाई एक्सिस. और जो डिस्टेंस होता है उसको किस में लेते हैं, हम वाई एक्सिस में. डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैन बी एम्प्लॉयड अंडर वेरियस कंडीशंस वेयर ऑब्जेक्ट मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड. अब देखो क्या बोल रही है कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है उसे आप अलग अलग कंडीशंस पर बना सकते हैं. कैसे, सपोज कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है. यूनिफॉर्म स्पीड मतलब जो उसका डिस्टेंस है वो इक्वल है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में. ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में भी या वो रेस्ट पर हो सकता है. तो हमारे पास क्या है, अलग अलग कंडीशंस हैं. तो अलग अलग कंडीशंस के लिए हमारे ग्राफ भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे. अब देखते हैं हम अपने ग्राफ को. सबसे पहले ये देखो, हम एक ग्राफ दिखाया गया है, इसमें क्या है, डिस्टेंस को वाई एक्सिस में लिया है एंड टाइम को एक्स एक्सिस में लिया है. ठीक है, डिस्टेंस हमारा वाई एक्सिस में है और टाइम हमारा एक्स एक्सिस में है. अब देखना यहाँ क्या हो रहा है, इतने टाइम में हमारा ग्राफ इतना हुआ. ठीक है, फिर हमारा जो टाइम हुआ उसमें इतना हुआ, फिर जो नेक्स्ट टाइम था उसमें हमारा ग्राफ इतना हो गया. तो मतलब क्या है, देखो इक्वल टाइम इंटरवल में हमारा क्या बन रहे हैं, इक्वल डिस्टेंसेस हैं. जितना हम टाइम इंटरवल ले रहे हैं वो इक्वल हैं और उसके डिस्टेंस भी क्या हैं, इक्वल हैं. ठीक है, इसका मतलब ये यूनिफॉर्म का ग्राफ है. ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड है हर बार. वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, यहाँ हमारे पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, कुछ ना कुछ वैल्यूज आएंगी. इसका मतलब हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है ये. ठीक है, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है जिसमें ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है. ओके, अब आगे देखते हैं. वी नो डैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड. हम जानते हैं कि जब वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसे यूनिफॉर्म स्पीड कहा जाता है. ठीक है, दिस शोज डैट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन. ठीक है, इसका मतलब देखो, हम बोल रहे हैं इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम. सपोज टू डिस्टेंस है, 2 मीटर डिस्टेंस है तो हमारे पास टाइम भी कितना होगा, 2 सेकेंड. 4 मीटर डिस्टेंस है तो हमारे पास टाइम कितना होगा, 4 सेकेंड. इसलिए बोला है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस टाइम टेकन की. दस फॉर यूनिफॉर्म स्पीड ए ग्राफ ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगेंस्ट टाइम इज अ स्ट्रेट लाइन. मतलब जब हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड होगी तो हमारा डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है वो क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा. ठीक है, क्लियर. आगे देखते हैं, अब हम क्या बोल रहे हैं, द पोर्शन ओ बी ऑफ द ग्राफ शो डैट द डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट. अब देखो हमारा जो ग्राफ था वो ऐसे था. ठीक है, इसका मतलब हमारा जो डिस्टेंस है वो टाइम के साथ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. फाइन, यू कैन ऑल्सो यूज़ द टर्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन प्लेस ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड की जगह हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी बोल सकते हैं. इफ़ यू टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट अलोंग द वाई एक्सिस. अगर हम डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है उसको किसके इक्वल ले ले, डिस्टेंस के इक्वल. ठीक है, वी कैन यूज़ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट.
हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ का यूज़ क्यों करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को पता करने के लिए? मेन जो हमारा नीट में या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में इस चीज़ से क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का क्या यूज़ है, उससे हमें क्या मिलता है। तो उससे हमें क्या मिलता है, स्पीड मिलती है हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की। फाइन, इट्स 1 मार्क्स क्वेश्चन एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स मूव फर्दर टू डू सो कंसिडर। अब हमें स्पीड कैसे मिलती है, हमने बोल दिया कि हमें स्पीड मिलती है, स्पीड कैसे मिलती है। अब देखो सिंपल जो यहाँ लिखा हुआ है, अभी उसको एक सेकंड के लिए नहीं देखना। हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, डिस्टेंस मैंने कौन से एक्सिस पर लिया है, वाई एक्सिस पर। ठीक है, और टाइम मैंने कौन से एक्सिस पर लिया है, एक्स एक्सिस पर। ठीक है, फाइन, ये नॉर्मल सी चीज़ है। तो अब हम स्पीड निकालनी है हमें, तो हमें कुछ डिस्टेंस लेना पड़ेगा, वाई एक्सिस पर कुछ पॉइंट लेने पड़ेंगे। ठीक है, जो हम कोई पॉइंट ले रहे हैं, सपोज मैंने कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लिया ए। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास उसके पैरेलल, उस पॉइंट के पैरेलल, पैरेलल मतलब वाई एक्सिस पर कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। ठीक है, और कुछ ना कुछ टाइम होगा। जो मैं कोई भी पॉइंट कंसीडर कर रही हूँ, उस पॉइंट पर कुछ ना कुछ हमारा डिस्टेंस होगा, कुछ ना कुछ टाइम होगा। तो हम उस डिस्टेंस और टाइम से अपने क्या कर सकते हैं, स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम कैसे। कंसीडर अ स्मॉल पार्ट ए बी ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, हमें एक स्मॉल पार्ट कंसीडर करना है ए बी। ड्रो अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब देखो जो भी ये लिखा हुआ है उस पर कुछ भी फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से नहीं समझना। हम सिंपल अपना देखते हैं हमने अपना कैसे किया है। मैंने अपने ग्राफ पर एक पोर्शन कंसीडर कर दिया ए बी। ठीक है, मैंने ये पोर्शन कंसीडर किया है ए बी। अब जो मेरा ए पॉइंट है, ठीक है, ए पॉइंट ये था, बी पॉइंट ये, फाइन। ए पॉइंट से अगर मैं नीचे की तरफ लाइन लेकर जाऊं, बी से मैं लाइन लेकर जाऊं, तो हमें टाइम की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, फाइन। ऐसे ही जब मैं ए पॉइंट से एक्स एक्सिस पर लेकर जाऊंगी और बी पॉइंट से अपने एक्स वाई एक्सिस पर लेकर जाऊंगी, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। एक्स की तरफ ले जाने पर, मतलब नीचे की तरफ लाने पर, हम कहाँ आ रहे हैं, एक्स एक्सिस के पास, टाइम मिल रहा है। जब हम वाई एक्सिस की तरफ मूव कर रहे हैं, देखो वाई एक्सिस की तरफ हम मूव कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, डिस्टेंस। तो अब हम ए बी रीजन में पता करना चाहते हैं। ठीक है, तो ए स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग हमारा ए है और एंडिंग पॉइंट क्या हमारा, बी। तो यहाँ देख लो, ए पर हमारा डिस्टेंस है एस वन, बी पर हमारा डिस्टेंस है एस टू। ठीक है, ए बी का निकालना है, तो हायर माइनस लोअर मतलब एस टू माइनस एस वन, ऐसे टाइम। बी पर टाइम है टी टू, ए पर टाइम है टी वन। ए बी का बीच का निकालना है, तो क्या करेंगे, टी टू माइनस टी वन। टी टू माइनस टी वन क्यों किया, बिकॉज टी टू बड़ा है और टी वन छोटा है, तो हमारे पास आ गया v इज इक्वल टू एस टू माइनस एस वन बाई टी टू माइनस टी वन। फाइन, अब देखो हमने क्या किया, एक कार ली, फाइन, उसके हमने डिस्टेंस को मेज़र कर रखा है। ठीक है, अलग अलग टाइम इंटरवल्स में, फाइन। हमारे पास एक कार है जो मूव कर रही है, एक्सेलेरेटेड मोशन में है, उसके डिस्टेंस को मेज़र किया है हमने टाइम के साथ। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। जब हमने इसका ग्राफ बनाया तो हमारे पास ग्राफ ऐसा बनता है। ठीक है, आप वैल्यूज़ रख के ग्राफ बना के देख सकते हैं हमारा ग्राफ क्या साथ है ऐसा। तो जब हमारा ग्राफ नॉन लीनियर है, मतलब लीनियर क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन नहीं है ये, ऐसे है। ठीक है, इसको बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पर मूव कर रहा था। तो इस ये ग्राफ क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ कार मूविंग विद अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसमें सिंपल आपको ग्राफ की फिगर याद रखनी है, ग्राफ
कि शेप क्या है, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या कहा गया है, नोट डेट द शेप ऑफ द ग्राफ इज डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। हमने देखा कि जो ग्राफ की शेप है वो पहले वाले ग्राफ से अलग आई है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसमें नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूवमेंट हो रही है ऑब्जेक्ट की, उसमें यूनिफॉर्म स्पीड थी, इसमें नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है। सिंपल बात है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म स्पीड का बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, नॉन यूनिफॉर्म का बनाएंगे तो ऐसा बनेगा। इसके अलावा आपने कुछ भी याद नहीं रखना है, मेन पॉइंट जो याद रखना है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें क्या मिलती है, स्पीड। फाइन, बस ये तीन चीज़ें, एक दो और एक थर्ड है स्पीड, ये तीन चीज़ें याद रखनी है आपने, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। ऐसे ही अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ के भी अलग अलग कंडीशंस पर बन सकते हैं। तो हम फर्स्ट देखते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है हमारे पास, पोज। जब हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन है इसका मतलब स्पीड जितनी होगी उतना ही हमारे पास टाइम होगा, मतलब इक्वल डिस्टेंस है इक्वल टाइम में, ठीक है। कुछ इधर उधर नहीं देखना, आप मेरी बात सुनिए पहले, इस पॉइंट पर ध्यान दीजिए कि जब यूनिफॉर्म मोशन की बात चल रही है तो हमारे पास क्या होगा, हर बार इक्वल डिस्टेंस होगा इक्वल टाइम होगा। मतलब सपोज पहली बारी में डिस्टेंस 2 है एक मिनट में, ठीक है, किसी एक पॉइंट पर। सपोज मैं एक पॉइंट वन पर बात कर रही हूँ, तो पॉइंट टू पर भी क्या होगा, मेरा डिस्टेंस 2 होगा कितने टाइम में, 1 में, ठीक है। ऐसे पॉइंट थ्री पर निकालोगे तो भी वो यही आएगा 2/1, ठीक है। अगर सपोज आप पॉइंट फोर पर V4 निकालेंगे तो वो भी क्या आएगा, 2/1। इसका मतलब अब चेंज क्या हो रहा है वेलोसिटी का, V4 माइनस V3 करोगे तो वेलोसिटी में चेंज क्या आ जाएगा हमारे पास, 0, ठीक है। तो यही बोल रहा है, हम क्या कर रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी को ले रही हैं वाई एक्सिस पर और टाइम को ले रहे हैं एक्स एक्सिस पर। अब वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही, ठीक है, वेलोसिटी में चेंज 0 है, इसका मतलब सपोज मेरी वेलोसिटी है, जो मेरी कार है वो कितनी वेलोसिटी कितनी स्पीड से मूव कर रही थी, 40 से, ठीक है, 40 से मूव कर रही थी, तो वो कितना भी टाइम होता गया वो हमेशा 40 पर मूव करती रही। जब हम 1 सेकंड पर आए तो भी वो 40 पर थी, जब हम 2 पर आए तभी भी वो 40 पर थी, 3 पे भी 40, कितने भी टाइम पर देख लो आप 40 पर। इन पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो हमें एक लाइन मिलेगी। अब ये लाइन क्या है, इस एक्स एक्सिस के पैरेलल है। देखो एक ये लाइन है एक ये लाइन है, ये दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल। तो हमने कहा कि जो हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ मिलता है किसी यूनिफॉर्म मोशन का, वो कैसा मिलता है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। इसमें आपको क्रैमिंग की कोई भी बात नहीं थी, ठीक है, सिंपल अंडरस्टैंडिंग की बात थी। तो अब हम आगे देख लेते हैं, वही बोल रहा है वेलोसिटी को वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया गया। इफ द ऑब्जेक्ट मूव एट अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, हाइट ऑफ द इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल नॉट चेंज विद टाइम। हाइट चेंज नहीं हुई, हाइट का मतलब क्या था, हाइट का मतलब ये, ठीक है, ये हाइट यही रही। ऐसे नहीं है कि भाई ऐसे हो गया, पहले यहाँ था फिर इतनी हाइट हो गई, ठीक है, हाइट वही रही। आगे क्या बोल रहे हैं, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो मैंने अभी बात की वही है, ठीक है। वी नोट डेट द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम गिव्स डिस्प्लेसमेंट। अब फिर वही क्वेश्चन कि वेलोसिटी और टाइम से ग्राफ से हमें क्या मिलता है, तो मिलता है डिस्प्लेसमेंट मिलती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। फाइन, कैसे, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, स्पीड डिस्टेंस ओवर टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। फाइन, तो अगर डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो वेलोसिटी और टाइम का मैं क्या कर दूं, प्रोडक्ट कर दूं, वेलोसिटी इनटू टाइम मुझे क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ से आपको कुछ अलग नहीं मिल रहा, या आपने बस स्पीड और वेलोसिटी का फॉर्मूला लर्न किया, वहीं से आपको समझ आ रहा है, हाँ भाई वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे को डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी, सिंपल से बात है। ये कुछ अलग थोड़ी बता रही है, ये भाई पुराने वाले बातों को भाई थोड़ा सा
बड़ा बनाकर आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब प्रोडक्ट कर रहे हैं हम। देखो, जब हम डिवाइड कर रहे थे किसी को वाई बाय एक्स को, ठीक है, सपोज डिस्टेंस बाय टाइम को कर रहे थे हम, तो हमें स्पीड मिल रही थी। जब हम प्रोडक्ट करते हैं ना, तो उसकी वैल्यू हमें एरिया से मिल रही है। ठीक है, मतलब उसकी वैल्यू हमें एरिया से मिलेगी। देखो, डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया मुझे कितनी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एरिया को फाइंड आउट करना पड़ेगा। द एरिया इनक्लोज्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस विल इक्वल टू द, हमने बोल तो दिया कि वेलोसिटी और टाइम के प्रोडक्ट से हमें डिस्प्लेसमेंट मिलती है। हमने कह दिया कि ठीक है, हमें इस ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट मिल रही है। अब वो डिस्प्लेसमेंट कैसे मिल रही है, जब आप डिवाइड करते थे तो आपको सिंपल मिल जाती थी, दो पॉइंट लो, उनसे देख लो एक्स एक्सिस पर कितनी वैल्यू, वाई एक्सिस पर कितनी वैल्यू, माइनस करो, आंसर आ गया। अब हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट करने पर जो हमें मिल रहा है वो कैसे निकाल रहे हैं हम, एरिया से, कि ग्राफ ने जितना एरिया इनक्लोज किया है उतना ही हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अब हम देखते हैं, टू नो द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार बिटवीन टाइम टी वन एंड टी टू, हमने दो टाइम इंटरवल सपोज कर लिए, एक टी वन और एक टी टू। ठीक है, अब हमें डिस्टेंस निकालना है। अब देखना, हम इसको क्या करेंगे, ग्राफ की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। सपोज मेरे पास यही ग्राफ है, ठीक है, मैं इसमें डिस्टेंस निकालना चाहती हूँ। ठीक है, वही सबसे पहले हमें दो पॉइंट लेने पड़ेंगे, एक पॉइंट मैंने ए ले लिया, एक पॉइंट मैंने बी ले लिया। ठीक है, अब मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो मुझे क्या करना है, एरिया, एरिया मतलब कितनी जगह इसने ली हुई है। अब जगह के लिए हम क्या करेंगे, ए पॉइंट से ऐसे लाइन लेकर गए, बी पॉइंट से ऐसे लाइन लेकर गए, और एरिया कितना है ये सारा। ठीक है, अब देखो ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो हमारे पास लेंथ कितनी है, इतनी है, ब्रेथ कितनी है, इतनी। ठीक है, अब लेंथ निकालते हैं। देखो, हम लेंथ कैसे निकालेंगे, ये टी टू है, ये टी वन है, तो इतना, बस इतना पोर्शन निकालना है हमने, बस इतना पोर्शन। तो कैसे निकल सकता है, बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, टी टू माइनस टी वन। लेंथ हमारे पास आ गई टी टू माइनस टी वन। ऐसे ही हम ब्रेथ निकाल लेंगे। ठीक है, फाइन, हमने ब्रेथ भी निकाल लिया। हमारे पास जितनी भी हमने सपोज कर रखी थी वी वन वी टू, वो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हो जाती है। फाइन, सिंपल सी बात है हमारी, कि जो हम एरिया निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं जो हम, वो एरिया के थ्रू निकालते हैं। अब देखो, जैसे इसमें हमने टाइम तो निकाल लिया कि टी वन और टी टू हैं। ठीक है, अब सपोज़ यहाँ ये वैल्यू वैल्यू नहीं दे रखी होती वेलोसिटी की, जैसे अभी 40 दे रखी है, यहाँ वी वन होता तो हम क्या करते हैं, वी वन माइनस ज़ीरो, क्योंकि वो इनिशियली क्या है, रेस्ट पर है। ठीक है, तो यहाँ हमें दे रखा है कितना है, इन पॉइंट्स पर हमारी वेलोसिटी क्या है, 40। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 40 इंटू टी टू माइनस टी वन। ठीक है, अब हम देखते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। फाइन, हमने दो पॉइंट्स कंसिडर कर रखे हैं। ठीक है, ए और बी, उसमें टाइम इंटरवल्स हमारे क्या हैं, टी वन एंड टी टू। ओके, उसके बाद जो वेलोसिटी है वो क्या है हमारी, 40 किलोमीटर पर आवर, जो हमने अभी बोली। ठीक है, और टाइम हमारे पास कितना आ गया, टी टू माइनस टी वन, यही बात हमने बोली थी। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, एस इज इक्वल टू 40 इंटू टी टू माइनस टी वन। ठीक है, यही अभी हमने ग्राफ से समझा था। तो हमें डिस्टेंस किससे मिल रहा है, एरिया से। फाइन, अब ये हमारा जो ग्राफ था ना, याद रखना ये यूनिफॉर्म मोशन का था। सपोज अब मेरे पास कोई नॉन यूनिफॉर्म मोशन आ जाता है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन आ जाता है, तो उसका ग्राफ हमारा क्या होगा, अलग होगा। ये बात सिंपल सी है, यूनिफॉर्म का ग्राफ हमारा अलग होता है, नॉन यूनिफॉर्म का अलग ग्राफ होता है। अब देखिए, हमने यूनिफॉर्म का ग्राफ देखा है, उसमें हमने क्या बोला, वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा।
यहाँ याद रखो वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा, वो पहले भी 40 थी और वो अभी भी 40 है। वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा तो जो हमारी एक्सेलेरेशन है वो क्या होगी, ज़ीरो, क्योंकि एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, सपोज वेलोसिटी में चेंज हो रहा हो, अभी हम यूनिफॉर्म मोशन पर ही, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, ठीक है, इस ग्राफ को ध्यान से देखना। इनिशियल हमारी वेलोसिटी थी ज़ीरो, फिर हमारी वेलोसिटी 10 हुई, फिर 20, फिर 30, फिर 40 एंड 30 के बीच में है, ठीक है, फिर हमारी ऐसी वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब एक्सेलेरेशन है, ये तो होगा। अब देखते हैं भैया यूनिफॉर्म कैसे है, हमें क्या मिल रही है, एक स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब ये यूनिफॉर्म है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा ये ग्राफ है वो क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का ग्राफ है वेलोसिटी टाइम के बीच में। ठीक है, अब हम आते हैं नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ पे। ठीक है, अब देखो इसके साथ हमें एक और बात बोली गई है कि यहाँ भी आप डिस्टेंस को पता कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो डिटरमाइन द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार। कैसे पता कर सकते हैं, एरिया से। अब देखो एरिया सेम जैसे पहले किया, दो पॉइंट कंसीडर किए ए और ई, एरिया हमारे पास ये आ गया। ठीक है, आप देखो यहाँ कैसी फिगर बन रही है, अगर मैं ये लाइन लगा लूँ तो ऊपर मेरा क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस यहाँ क्या है, इसको डी दे रखा है, ए डी। हाइट कितनी है, ये हमारा सी है। ठीक है, हाइट हो गई सी डी, तो हाफ इंटू ए डी इंटू सी डी, ये बस हमारा एक पोर्शन का एरिया आया। हमारे पास क्या थे, दो पोर्शन थे, अब दूसरे का भी 1 + 2, हमारा आंसर तो यही होगा ना, एक पोर्शन का एरिया प्लस सेकंड पोर्शन का एरिया टोटल ही हमें डिस्टेंस देगा। तो पहले पोर्शन का एरिया किससे मिल गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो कितना हुआ, हाफ इंटू ए डी इंटू सी डी। ठीक है, सेकंड क्या बन रहा है हमारे पास, एक रेक्टेंगल पहले वाले की तरह, इसका फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है, बी सी, और हमारी ब्रेथ क्या है, ए बी। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ हमारी बुक में। तो इन्होंने कहा आप एरिया से अपना डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पता कर सकते हैं या आप डिस्टेंस का पता कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया ए बी सी डी। ठीक है, ये हमारा ये वाला एरिया है जो हमने ये ऐसा एरिया लिया था हमने ए बी सी डी। ठीक है, ऐसे लगा रखा था, फाइन, अभी अभी हमने देखा। द डिस्टेंस एस, डिस्टेंस को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, ऐसे, ट्रेवल्ड बाय द कार विल बी गिवन बाय द एरिया, इस एरिया से दिया जाएगा हमें। एरिया क्या था, अब देखो एक बार मैं आपको फिर से ग्राफ दिखा देती हूँ हमारा, देख लेते हैं हम। एरिया हमारा क्या है, ए बी सी डी ई। ठीक है, ए बी सी डी ई, ये हमारा एरिया। अब देखो डिस्टेंस किसके इक्वल हो गया, एरिया ए बी सी डी ई के। ठीक है, इसको हमारा क्या करेंगे हम, देखो एक्चुअली में जो ये शेप बनी है ना, ये ट्रेपीजियम है। सपोज आपको ट्रेपीजियम का फॉर्मूला नहीं पता, तो हमने क्या किया, इसको टू पोर्शन में डिवाइड कर दिया, ऊपर हमारा बन गया ट्राइंगल, नीचे हमारा रेक्टेंगल रह गया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी, दोनों को जोड़ दो फिर भी हमारे पास टोटल एरिया यही आएगा। ठीक है, तो दोनों को कंबाइन करके हमारे पास डिस्टेंस निकल सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है सपोज। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा हमारे पास, देख लेते हैं पहले इन्होंने क्या बोल रखा है कि फिगर 8.7, जो ये फिगर्स हैं वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रही हैं किसी ऑब्जेक्ट का नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेटेड मोशन में। एक्सेलेरेटेड है मतलब वेलोसिटी हर पॉइंट पर चेंज होगी। तो देखते हैं, अब इसमें देखो अलग अलग टाइम पर
इस टाइम पर हमें इतनी वैल्यू मिली, फिर इस टाइम पर हमें अलग वैल्यू मिल गई, इतने कम टाइम में फिर हमें और अलग वैल्यू मिल गई, तो ये अनइक्वल है, ठीक है, अनइक्वल है। और जो हमारी वेलोसिटी है वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है, पहले इतनी थी फिर इतनी हो गई, मतलब वेलोसिटी देखो डिक्रीज हो रही है, ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेटेड का ग्राफ है। फाइन, और कैसा बन सकता है, हमारा इस वे में भी बन सकता है, ठीक है, ये भी हमारा कैसा ग्राफ है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेटेड मोशन का ग्राफ। अब देख लेते क्या लिखा हुआ है, फिगर 8.7a, मतलब जो पहले वाली फिगर थी वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिखा रही है, दैट रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम। हमने बोला वेलोसिटी डिक्रीज करती है, ठीक है भाई, अभी अभी हमने भी यही बात बोली थी। फिगर 8.7b शोज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशन दिखा रही है, उसमें वेलोसिटी कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रही थी, इसमें नॉन यूनिफॉर्म है, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज। फाइन, अब ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी को आप रीड करेंगी। फाइन, देन क्वेश्चंस, अब हमारे पास इक्वेशंस आती हैं मोशन की, ग्राफ से हम मोशन की इक्वेशंस को निकाल सकते हैं। अब आप में से कुछ स्टूडेंट सोचेंगे ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है, हम इसे छोड़ देते हैं, तो मैं आपको आज ही बता देती हूँ, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, आप यहाँ कितनी बार भी इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, ये टॉपिक आप नहीं छोड़ सकते, चाहे कंप्लीट चैप्टर छोड़ दीजिए आप, ठीक है, और इस टॉपिक को करने के लिए आपको पहले का आना चाहिए, ठीक है। अगर सपोज आपने अब के लिए छोड़ भी दिया है, ठीक है, तो फ्यूचर में भी आपको ये टॉपिक बार बार रिपीट होने लगते हैं, नीट में इस टॉपिक पर हमेशा क्वेश्चन आते हैं, हमेशा जेई मेंस में इस टॉपिक पर हमेशा क्वेश्चन आते हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में चले जाइए आप, ट्वेल्थ के बाद या टेंथ के बाद, ठीक है, ये टॉपिक आपका हमेशा आएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कोई भी एग्ज़ाम इस टॉपिक के बिना नहीं बनता, ये गारंटी है, ठीक है, और बोर्ड्स में भी इसका कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, कोई ना कोई क्वेश्चन से मतलब क्या है, इन तीनों में से किसी का भी डेरिवेशन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये तीनों इक्वेशन लर्न करनी है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इसको बुक में से ना करा कर आपको कॉपी पेन पर कराऊंगी, ठीक है, अपने नोट्स पर, और जो ये नोट्स हैं हमारे वो बिल्कुल NCERT बेस्ड हैं, किसी भी गाइड का कोई भी मटेरियल नहीं है, सिंपल डेरिवेशन, सिंपल स्टेप्स हैं, उनसे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहले आप इन इक्वेशंस को देखेंगे, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन हमारी वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी क्या है हमारी फाइनल वेलोसिटी, यू क्या है इनिशियल वेलोसिटी, ए एक्सेलेरेशन, टी टाइम, ये सिंबल मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बता दी थी, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वही ए क्या है एक्सेलेरेशन, टी टाइम, यू इनिशियल वेलोसिटी, और एस क्या होता है डिस्टेंस, ठीक है। जो हमारी थर्ड इक्वेशन है वो क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस, ठीक है, वी क्या होती है फाइनल वेलोसिटी, यू इनिशियल वेलोसिटी, टू सिंपल इन टू एक्सेलेरेशन इन टू डिस्टेंस, ठीक है। जब आपके पास सपोज, अब आप बोलेंगे मुझको सपोज, से पहले मैं आपको एक लाइन बता देती हूँ कि मैम हमें ये तीनों इक्वेशन क्यों लर्न करनी है, तो सपोज आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल आ गया, ठीक है, जिसमें आपको इनिशियल वेलोसिटी यू दे रखी है 20, एक्सेलेरेशन दे दी 2, टाइम भी दे दिया 2, पूछ लिया फाइनल वेलोसिटी, आपको बस ये दो इक्वेशन याद है, ठीक है। अब आप कैसे निकालेंगे, इस वाली इक्वेशन से निकालेंगे, ठीक है। सपोज अब आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है, और डिस्टेंस पूछ लिया आपसे, और आपके पास एक्सेलेरेशन भी नहीं है, बस टाइम है, ठीक है, क्या बोल रही हूँ मैं, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, और टाइम है,
अब आपसे डिस्टेंस पूछ रही है। हम जानते हैं कि हमारे पास डिस्टेंस के दो फॉर्मूले हैं, ठीक है, एक सेकंड, एक थर्ड। U है आपके पास, T है आपके पास, A नहीं है, इसका मतलब पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, A, ठीक है। अब देखो, आप बोलोगे मैम इसमें तो सेकंड फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, हम थर्ड फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो देखो, V और U दोनों दे रखे हैं, तो दोनों किस फॉर्मूले में, थर्ड वाले में, तो आप लगाएंगे थर्ड फॉर्मूला। जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट दे रखी होगी उसके अकॉर्डिंग आपने फॉर्मूले को यूज़ करना है, ठीक है। अब इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं हम अपना। ए कैसे निकालेंगे, ए हम निकाल सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, क्योंकि हमारे पास वी भी है, यू भी है, टी भी है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसमें पजल होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, फाइन। तो यहाँ हमारे पास पहला इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन का है, वेलोसिटी टाइम मीन्स फर्स्ट वाला, ठीक है। ग्राफ बनाया है, उसके बाद उसका डेरिवेशन कर रखा है, सिंपल एरिया से ही निकालना है हमें इसमें भी, ठीक है। उसके बाद सेकंड इक्वेशन का भी हमने देखो किससे निकाला है, एरिया से, ठीक है, एरिया से निकाल रखा है, फाइन। जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन है उसमें भी हमने किससे निकाल रखा है, एरिया से। अब हम देखते हैं हम कैसे निकालते हैं इनको। तो अब हम करते हैं डेरिवेशन फर्स्ट इक्वेशन का, V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का। कैसे करना है, याद कैसे करना है, पहले मैं वो आपको बता देती हूँ। सिंपल फॉर्मूले से एक्सेलेरेशन क्या होता है, V बाई टी। एक ये चीज़ याद रखनी है आपको, अगर आपको फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करना है तो आपको बस इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। ये चीज़ हम पहले भी कर चुके हैं, अब देखते हैं हम कैसे। सबसे पहले मैंने वेलोसिटी और टाइम का एक ग्राफ बनाया, ठीक है। वेलोसिटी को मैंने ले लिया एक्स एक्स वाई एक्सिस में, एंड टाइम को मैंने ले लिया एक्स एक्सिस में, ठीक है। सपोज मेरी इनिशियल वेलोसिटी थी यू, और वो किस पर थी, एट पॉइंट ए पर। फिर मेरा ऑब्जेक्ट है, मेरी कार है, वो चलने लगी और वो फाइनली एक पॉइंट पर जाकर रुक गई, बी पॉइंट पर। फाइनल रुक गई, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या होगी, वी, ठीक है। इतना समझ आ गया, मेरा ऑब्जेक्ट एक वेलोसिटी से स्टार्ट होता है, एक पॉइंट से स्टार्ट होता है मेरा ऑब्जेक्ट, और एक पॉइंट पर आकर रुक जाता है। जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है ए, उस पर मेरी वेलोसिटी u है, और जो मेरा फाइनल पॉइंट है बी, उस पर मेरी वेलोसिटी v है, ठीक है। जो मेरा इनिशियल पॉइंट था a, उस पर मेरा टाइम था ज़ीरो। जो मेरा फाइनल पॉइंट है, फाइनल क्या होता है, वो जगह जहाँ आपको फाइनली रुकना है, उस पर मेरा टाइम कितना है, t, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, ये ग्राफ हमारा जो चीज़ दिखा रहा था वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। मैंने इस पॉइंट को ए ले लिया, इसको बी ले लिया, इसको सी, इसको डी, और ये हमारा ओरिजिन है, डेट्स वाई मैंने इसको ओ कंसीडर किया, फाइन। अब हम आगे देखते हैं, वही यू हमारा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, वी हमारी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। ये आपको पेपर में लिख के आना है, इससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। इससे ये होता है कि बच्चे को पता है। फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलेरेशन कैसे मिलेगी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। इस डेरिवेशन को याद रखने के लिए सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अब हम देखते हैं हमारी चेंज इन वेलोसिटी क्या है। देखो, इनिशियल ना मेरी वेलोसिटी इतनी थी, फाइनल इतनी हो गई फाइनल मेरी, ठीक है। इनिशियल मेरी ये थी, फाइनल मेरी ये थी। अब वेलोसिटी इनिशियल, देखो मैंने एक लाइन लगा ली, यहाँ आ गई मैं इस पॉइंट पर, डी पॉइंट पर, फाइनल मैं बी पर हूँ। अगर मैं इतना पोर्शन पता कर लूँ कि इसकी क्या वैल्यू है, तो मेरे पास वेलोसिटी में चेंज पता लग जाएगा,
ठीक है, तो इस पॉइंट पर मेरी वेलोसिटी कितनी थी यू, ठीक है, इस पर मेरी वेलोसिटी कितनी थी यू और इस पॉइंट पर बी पर मेरी वेलोसिटी कितनी है वी। चेंज चेंज मतलब माइनस करना पड़ेगा, तो हमारा आ गया वी माइनस यू। चेंज इन वेलोसिटी बी डी कितना है वी माइनस यू। ठीक है, अब देखते हैं हम टाइम टेकन। इनिशियली मेरा टाइम था 0, फाइनल मेरा टाइम हुआ टी, तो टाइम टेकन कितना लगा मेरे को टी माइनस 0 डेट इज टी, और टी किसे डिनोट कर रहे हैं आप ओ सी से, समझ गए। अब देखो कैसे लिखना है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बी डी, टाइम ओ सी, बी डी बाई टी, ये हमारा क्या हो गया बी डी बाई टी। अब बी डी कैसे निकाला, भी अभी अभी निकाला हमने वी माइनस यू, तो हमारा फॉर्मूला हो गया ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। अब देखो इस टी को ए के पास ले गई तो हमारा बन गया ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। इसको हम सिंपल अरेंज करके लिखे तो हमारे पास बन जाता है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो ये क्या था, बिल्कुल ईजी सा था, आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि कैसे याद होगा। अब मैं हूँ, मेरे को बिल्कुल क्रैम हो चुके, मीन्स बहुत ज़्यादा ईजी है ये, बहुत ज़्यादा, बस आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है। और इसमें भी लर्न क्या करना है आपको, ये हम फर्स्ट लेक्चर से हमने अब तक कितनी बार रिपीट कर लिया इस फॉर्मूले को। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला लिखो, उसके बाद उसकी वैल्यूज पुट कर दो, इक्वेशन मिल गई। ठीक है, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं किसी और इजी मेथड से आपको समझा दूंगी। ठीक है, अब हम सेकंड इक्वेशन निकालते हैं, उसके लिए भी मैंने सिंपल वही ग्राफ लिखा है, लिया है। ठीक है, अब देखो, अब मैं सेकंड इक्वेशन निकालना चाहती हूँ। मेरी सेकंड इक्वेशन क्या थी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, लिख लेना इसको कंप्लीट, एस मतलब डिस्टेंस। अब भाई हम एक बात जानते हैं कि जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनता है ना, तो जब हमें डिस्टेंस निकालना पड़े तो हम लेते हैं एरिया को। ठीक है, जब भी डिस्टेंस निकालना पड़ेगा हम लेंगे एरिया को, सॉरी हम किसको लेंगे, अपने एरिया को। अब देखो ट्रिक बताती हूँ मैं याद करने की, जब आप दो पोर्शन करके एरिया लेंगे तो आपको सेकंड इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, टू पोर्शन, टू टू किए तो इक्वेशन टू मिली। ठीक है, एक ही एरिया रहने दिया, एक ही एरिया मतलब पूरा ही, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाया तो हमें मिलेगी इक्वेशन नंबर 3। ये एक सिंपल से आप ट्रिक बोल लीजिए या याद करने का तरीका, आप कुछ भी बोल सकते हैं, बस आपको ये बात याद रखनी है, अगर एरिया के टू पीसेस कर दोगे, टू रीजन कर दोगे, ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, ठीक है, तो हमें इक्वेशन 2 मिलेगी। अगर एक ही रहने दोगे तो इक्वेशन 3 मिलेगी। अब निकालते हैं हम कैसे, हम सब कुछ कर चुके हैं, अब हमने सिंपल जल्दी से अपना देख लेना है, ओ ए क्या है, यू है, क्योंकि हमारी इनिशियल वेलोसिटी यू थी। ठीक है, बी सी क्या है, वी, फाइनली बी ये पूरा वी है, वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी। ओ सी क्या है, टी, ये हम पहले इक्वेशन के टाइम कर चुके हैं, वही बात रिपीट हुई है। देखो, द डिस्टेंस एज ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम टी मूविंग अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलेशन ए इज गिवन बाय द एरिया, वही बात लिखी है यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताई थी कि हमें जो डिस्टेंस होता है वो एरिया से मिलता है। ठीक है, फाइन, हमें डिस्टेंस किसे मिलता है, अपने एरिया से मिलता है। तो अब देखो डिस्टेंस किसके इक्वल हो गया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी सी, जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है वो क्या है, जो आपके अपोजिट साइड है उनको सम कर दो। ठीक है, देखते हैं ओ ए और बी सी का सम किया है हमने, देखना अपोजिट साइड इसमें क्या थी, ओ ए एंड बी सी, इनका क्या करना है सम। ठीक है, अभी अभी हमने क्या किया, इनका सम किया, यहाँ देखो
ओ ए और बी सी का क्या है सम, उसके बाद प्रोडक्ट कर दो इसके बेस से, ओ सी से मल्टीप्लाई कर दो। ओ सी हम जानते हैं टी है, ओ ए हम जानते हैं यू है, बी सी हम जानते हैं वी। सिंपल वैल्यू पुट करनी है, यू प्लस वी इंटू टी बाई टू, ठीक है। इसको आप रीअरेंज करके लिखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। देखो इसको हमारे पास ये आ चुका है, ठीक है, सिंपल वैल्यू पुट करके आ चुका है ये। अब जो हमने फर्स्ट इक्वेशन थी उससे हमने देखा कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आ रहा था, हमारे फर्स्ट इक्वेशन यही थी हमारी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ से मैं टाइम निकालना चाहूँ तो वो क्या आ जाएगा, v माइनस यू बाई ई। तो इस टाइम को यहाँ पर पुट करना है, जैसे ही आपने पुट किया तो यहाँ क्या बन गया, u प्लस वी इंटू वी माइनस यू। ये किसका फॉर्मूला बन गया, ए स्केयर माइनस बी स्केयर का। ए स्केयर माइनस बी स्केयर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमारा आ गया वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू, अब जो ये टू ए था इसको एस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास फाइनली आ जाता है टू ए एस इज इक्वल टू वी स्केयर माइनस यू स्केयर। और कैसे बोल सकते हैं आप इसको, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू टू ए एस, ठीक है। जब आपने बिल्कुल ट्रेपीजियम का लिया है एरिया तो आपके पास ये थर्ड वाली इक्वेशन आई है, ठीक है। अब सपोज मैम आप बोल रहे थे कि एरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर लो तो सेकंड इक्वेशन आ जाएगी, वो भी करके दिखाऊं, ठीक है। अब हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एरिया ऑफ ए बी डी वही ग्राफ है, मैं बार बार रिपीट नहीं कर रही। यू वी टी आप सब जानते हैं, ए ओ सी डी बी ये पॉइंट्स भी आप जानते हैं, ठीक है, ये मैं रिपीट नहीं कर रही आपको बार बार, ठीक है। सेकंड क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी, ठीक है। अब देखना एरिया ओ ए बी सी क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी। रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, और ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हम पहले भी कर चुके हैं, बेस हमारे पास कितना है ए डी, हाइट कितनी है बी डी, ठीक है, हाफ इंटू ए डी इंटू बी डी। लेंथ क्या थी ओ सी, ब्रेथ क्या थी ओ ए। सिंपल वैल्यूज पुट की तो हमारे पास आ गया एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी तीन इक्वेशंस थी जिनका हमने डेरिवेशन किया है, फाइन। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए प्लीज़, फिर मैं किसी और वे से आपको समझाऊंगी या डायरेक्ट मैं आपको बोर्ड पर करके दिखाऊंगी, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपने स्किप नहीं करना है, अगर समझ नहीं आ रहा तो मुझे डायरेक्ट बता देना है, ओके। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। इसमें क्या बोल रहे हैं, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज, जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज करती है तो उसमें क्या होता है, एक्सेलेरेशन होती है। वेलोसिटी को कैसे चेंज कर सकते हैं हम, उसके मैग्नीट्यूड को चेंज करके, उसके डायरेक्शन को या दोनों चीज़ों को चेंज करके, ठीक है, ये हमारी पुराने वाली बात है। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं, कैन यू थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल व्हेन एन ऑब्जेक्ट डजंट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बट ओनली इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्या आप कोई ऐसा एग्जाम्पल सोच सकते हैं जब जो आपका ऑब्जेक्ट है, सपोज कोई कार है, वो डायरेक्शन को चेंज करे बस, उसकी वेलोसिटी उतनी ही रहे जितनी पहले थी, कैसा कोई एग्जाम्पल हो सकता है, तो याद सोचिए। वैसे इसका आंसर हमें मिल जाएगा अभी थोड़ी देर में, उससे पहले हम देखते हैं क्या है। यहाँ ना हमारे पास एक एथलीट है, ठीक है, जो एथलीट है वो ट्रैक्स पर मूव करेगा। पहले वो एक रेक्टेंगुलर ट्रैक पर मूव कर रहा है, ए से स्टार्ट होता है वापस ए पर आ जाता है, फिर वो हेक्सागनल ट्रैक पर मूव कर रहा है, फिर वो ऑक्टागनल ट्रैक पर मूव कर रहा है, और फिर वो सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहा है, ठीक है। ट्रैक मतलब वो रास्ते जहाँ पर एथलीट्स दौड़ते हैं, एथलीट्स मीन्स रनर, आपके प्लेयर्स, ओके। अब देखते हैं हम क्या बोल रहे हैं ये, लेट अस कंसिडर एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ क्लोज पाथ, ठीक है। जो ये हमारे पाथ थे चारों, ये क्या थे, क्लोज थे। शो द पाथ ऑफ एन एथलीट अलोंग अ रेक्टेंगुलर ट्रैक, ठीक है, रेक्टेंगुलर ट्रैक पर हमारा क्या था,
एथलीट मूव कर रहा था, यहाँ से हमारा ए था, फिर बी, फिर सी, फिर डी. ओके, लेट अस अज्यूम दैट द एथलीट रन एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड पर मूव कर रहा है, मैं मान लेती हूँ. ऑन द स्ट्रेट पार्ट्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ऑफ द ट्रैक इन ऑर्डर टू कीप हिमसेल्फ ऑन ट्रैक, अपने आप को ट्रैक पर रखने के लिए उसे कॉर्नर्स पर स्पीड को चेंज करना पड़ता है क्विकली, जल्दी से उसे स्पीड को चेंज करना पड़ता है अपने आप को ट्रैक पर रखने के लिए. ठीक है, आप देखो हमारे पास कॉर्नर्स कितने हैं, 4 हैं, 1 2 3 4. इसका मतलब उसे 4 बार अपनी स्पीड को, अपनी डायरेक्शन को, सॉरी से डायरेक्शन को क्विकली चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, तो वही बात बोली है, हाउ मैनी टाइम्स विल द एथलीट हैव टू चेंज इस डायरेक्शन, उसे अपनी डायरेक्शन कितनी बार चेंज करनी पड़ी, 4 बार. ठीक है, ये रेक्टेंगल का केस है. सपोज इंस्टेड ऑफ अ रेक्टेंगुलर ट्रैक एथलीट किस पर मूव कर रहा है, हमारा हेक्सागनल ट्रैक पर, तो उसे कितनी बार करना पड़ेगा, 6 टाइम अपने डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी. सपोज अब वो रेगुलर ऑक्टागन पे आ जाता है तो उसे कितनी बार चेंज करनी पड़ेगी, 8 बार. तो अब आप यहाँ से क्या देख रहे हैं, वट वुड हैपन टू द शेप ऑफ द ट्रैक एज वी गो ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ साइड्स. ठीक है, क्या हो रहा है, जब जैसे जैसे आप साइड्स बढ़ाते जा रहे हैं ना, तो आपका जो ट्रैक है वो सर्कुलर बनता जा रहा है, सर्कल की फॉर्म में आता जा रहा है. ठीक है, तो सर्कल में अब देखना क्या हुआ, सर्कल में बस आपको क्या करना पड़ा, डायरेक्शन चेंज करनी पड़ी, पहले ऐसे फिर ऐसे ऐसे, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करनी पड़ रही है, स्पीड वही है. ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि हमें एक ऐसा एग्जांपल बताओ जिसमें स्पीड को चेंज ना करना पड़े, बस डायरेक्शन चेंज करें, तो उसका एग्जांपल क्या है, सर्कुलर पाथ. ठीक है, अब सर्कुलर पाथ पे वेलोसिटी निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है 2πr/t. ये कैसे आया, अब देखो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम. तो डिस्टेंस, सर्कल का डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, सर्कमफ्रेंस की. सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 × π × r, r इज रेडियस, तो हमारे पास आ गया 2πr/t. अब जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है, डिफाइन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. अब देखो इसको लर्न करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, यहीं से देखते हैं. सर्कुलर मोशन है, इसका मतलब सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा होगा, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म स्पीड से, तो डेफिनेशन बन गई, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करता है उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाता है. ठीक है, अब एक एक्टिविटी दी है, इसे देख लेते हैं एक्टिविटी में क्या है. इस एक्टिविटी में क्या है, एक बच्चा है, उसने ना स्टोन को एक थ्रेड से टाई कर रखा है और उसे घुमा रहा है बिल्कुल सर्कुलर फॉर्म में. वो ना अचानक से एक इंस्टेंट पर थ्रेड को छोड़ देता है, थ्रेड छोड़ने का मतलब है स्टोन को छोड़ देता है, और देखता है कि जब भाई मैंने स्टोन को छोड़ा है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. तो ऐसा वो 4-5 बार करता है. 4-5 बार क्यों करता है, कहीं एक बारी में उसके ऑब्जर्वेशन में गलती ना हो जाए. ठीक है, तो अब हम देखते हैं ऐसा करके उसने क्या ऑब्जर्व किया है. इफ़ यू केयरफुली नोट, अगर आप ध्यान से देखें, ऑन बीइंग रिलीज द स्टोन, जब रिलीज को स्टोन को रिलीज किया जाता है, ऑन बीइंग रिलीज द स्टोन मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ. मतलब सपोज मैंने स्टोन को इस जगह पर छोड़ा तो वो क्या करेगा, टेंजेंशियली मूव करेगा. ठीक है, इस पर छोड़ूंगी तो ऐसे टेंजेंशियल मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ की. टेंजेंशियली मीन्स एक टेंजेंट पे. सपोज आपके पास कोई भी सर्कल है तो इस पर टेंजेंट क्या होगी, ये टेंजेंट है, ये मैथ में पढ़ रखा है आपने. ठीक है, तो वो टेंजेंशियली मूव करता है. ऐसा क्यों हो रहा है, दिस इज बिकॉज वंस द स्टोन इज रिलीज, जब आप एक बार स्टोन को रिलीज करते हैं ना तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करता है कुछ टाइम के लिए, वो उसी डायरेक्शन में मूव करता है जिस डायरेक्शन में वो उस टाइम मूव कर रहा था. सपोज मैंने अपने स्टोन को यहाँ छोड़ा, ठीक है,
तो छोड़ने के बाद वो टेंजेंशियली चला गया। क्यों गया? क्योंकि इस टाइम उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी, उसकी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन थी, ठीक है, उसकी एक डायरेक्शन थी। तो कुछ टाइम के लिए ना उसी डायरेक्शन, उसी मोशन के साथ मूवमेंट करता रहा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज्ड एट एवरी पॉइंट व्हेन द स्टोन वाज मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ। तो ये एक्टिविटी हमें क्या दिखा रही है कि जो डायरेक्शन होती है ना मोशन की, वो हर पॉइंट पर चेंज करती है जब कोई भी स्टोन एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। ये बात क्यों पता लगी? क्योंकि हर बार टेंजेंट की डायरेक्शन थी, जो स्टोन की डायरेक्शन थी वो हमारी अलग अलग निकली, ठीक है। तो आगे क्या बोल रहे हैं, जब कोई भी एथलीट होते हैं वो हैमर को थ्रो करते हैं स्पोर्ट्स में, तो अपने हैमर को ही या शी होल्ड्स द हैमर और द डिस्कस इन हिज हर हैंड एंड गिव्स इट अ सर्कुलर मोशन। इसलिए वो पहले ना उसे सर्कुलर मोशन देते हैं, मतलब उसे सर्कल में घुमाते हैं। वंस रिलीज्ड इन द डिजायर डायरेक्शन द हैमर और डिस्कस मूव्स इन द डायरेक्शन इन विच इट वॉज मूविंग एट द टाइम इट वॉज रिलीज्ड, ठीक है। एथलीट्स में जो वो हैमर का स्पोर्ट्स होते हैं उसमें भी यही वाला होता है जो इस बच्चे ने एक्टिविटी में किया है, ठीक है। इसलिए वो उसे गोल गोल घुमाते रहते हैं थोड़ी देर के लिए। आपने देखा भी होगा, कभी सोचा भी होगा कि भाई ये गोल गोल क्यों घुमाते हैं, ठीक है, सर्कुलर मोशन क्यों देते हैं। तो उसका आंसर हमें आज मिल गया, ठीक है। आगे देखते हैं, देयर आर मैनी मोर फैमिलियर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग अंडर यूनिफॉर्म सर्कुलर एग्जाम्पल। यहाँ और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो किसके हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के, सच एज मोशन ऑफ द मून एंड द अर्थ। अ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इज साइक्लिस्ट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। तो बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स होते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के, ठीक है। जो ये एग्जाम्पल मेंशन किए गए हैं ये सारे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका जो चैप्टर है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। ये काफ़ी ईजी चैप्टर है, रियलिटी में ईजी चैप्टर है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। जो आपकी इक्वेशंस है ना, ये आपकी डेफिनेटली पूछी जाती है, तो आप इन इक्वेशंस को रिमेंबर रखें, ठीक है, इनको याद रखें। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया इस चैप्टर से तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको श्योरली रिप्लाई करने का ट्राई करूँगी, ओके। आई कैन से मैं श्योरली रिप्लाई कर दूँगी आपको, बट स्टिल आपको कोई भी डाउट रह गया तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। फाइन, थैंक यू।